अल्लामा फखरुद्दीन राजू। जिस जाओ आप आलम इस्लाम में, इमाम फखरुद्दीन राजी की आर्गूमेंट बड़ी पेश की जाती। क्या जी? कि इमाम फखरुद्दीन राजी ने कम से कम 99 दलाइल अल्लाह पे जमा किए हुए थे। वो वेरी वेरी क्विक, ग्रीक्स की नॉलेज की वजह से, रोमन्स की वजह से, अलेक्जेंड्रिया के राहबीन की वजह से, बहुत पढ़ा लिखा दानिशवर, उसने 99 दलाइल अल्लाह के ऊपर, ये जरा गौर से सुनेंगे आपको बात समझ आ जाएगी। मगर आ गया वफात का वक्त, वक्त से रुखसत आ गया कि चला गया आखिर शब, थोड़ी देर और ठहर, तुम्हारे साथ ही जाएगा कोई सौदाई। तो हजरत भी चलने को आ गए और चला गए आखिर शब, जरा थर थरा रहा था तो ईमान भूल गए, ईमान भूल गए। शैतान ने कहा, ये दास्तान बड़ी मशहूर है, हर पढ़ने वाला ये कहानी आपको सुनाएगा। ने कहा, राजी कहाँ गए अब तेरे दलाल, मैंने तेरी हर दलील में शक पैदा कर दिया, बहुत परेशान हुए, हत्ता के इतने परेशान हुए कि पता लगा कि ईमान जा रहा है, खत्म हो रहा है। इस घबराहट में उनके शेख मुर्शिद शेख नजमुद्दीन कुबरा ने आवाज दी, कहा कि ऐ बेवकूफ, क्यों नहीं कहता कि मैं खुदा को बेदलील मानता हूं? राजी ने कहा, हाँ हाँ मैं खुदा को बेदलील मानता हूं। शैतान ने कहा, बड़ा अच्छा हुआ तू आज बच गया, तू आज बच गया, तू आज मेरे हाथ से बच निकला। अब वो दलील से हलाक हुआ। वो यहया मन हया अम्बलिन दिन, जो जिंदा हुआ वो दलील से जिंदा हुआ। इन्नल्लाह लसमी मलिम, तुम्हारा अल्लाह इल्म वाला है और सुनने वाला है। ये नहीं है वो तुम्हारे दलाल नहीं सुनता, बातें नहीं सुनता। क्या कम हिम्मती है कि हम अपने ईमान के लिए कोई दलील नहीं रखते? क्या हिम्मत है मर्दाना? और इकबाल ने कहा था, भाई छोटी मोटी बातों को तवज्जो ना दे, अगर तुमने इंटेलेक्चुअल सुप्रीमेसी हासिल करनी है, अगर तुम इंट्यूशनल इंतहा तक पहुंचने जाते हो, अगर तुम ममलकत इलाहान में दाखला चाहते हो, तो यजदा बकमंदावर हिम्मत मर्दाना। तो भाई छोटी मोटी शिकार छोड़ो, अल्लाह है उसी पे कमंड फेंक के देखो, ताकि आगे से वहां से भी आवाज आए, कोई नर्जे कोई काम पे, कोई मस्तूर कोई पर्दादार कहे, हजारे पर्दा दरे पर्दा शुक्र। डरो यार, कम वक्त तो आसमानों तक आ पहुंचा।